टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मंडरा रहा है खतरा। क्या कप्तान बाबर आजम अपना पद खो देंगे? इस सवाल का जवाब सभी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ढूंढ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बड़ी सर्जरी का संकेत दिया था। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस बदलावों में कप्तान का भी बदलाव शामिल हो सकता है। इसी बीच पाकिस्तान के कोच गैरी किस्टन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बने रहेंगे। इस पर गैरी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। गैरी के इस इशारे ने कई तरीके की अटकलों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि गैरी ने इस इशारे से बाबर आजम को कप्तान बने रहने के लिए अपनी सहमति जताई है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि गैरी का ये इशारा और ही कहानी कह रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम से पहले भी कप्तानी छीनी जा चुकी है। 2022 में बाबर से शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही बाबर को फिर से कप्तानी सौंप दी गई थी। इधर पाकिस्तान के नवयुक्त रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी भी टीम में बदलाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह टीम की फील्डिंग में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। तो क्या बाबर आजम अपनी कप्तानी बचा पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या बाबर आजम को पाकिस्तान के कप्तान के पद पर बने रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबर क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।